पाकुड़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पुलिस का संवेदनशील चेहरा सामने आया है। थैलीसीमिया मरीज 6 साल की बच्ची की जान बचाने के लिए प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर ने ब्लड डोनेट किया। लॉकडाउन के कारण परिवार बच्ची को वर्धमान ब्लड चढ़ाने नहीं ले जा पा रहा था। इसकी सूचना पुलिस कप्तान राजीव रंजन सिंह और स्वयंसेवी संस्था मीरा फाउंडेशन को मिली। इस पर डोनर की तलाश शुरू की गई। एसपी ने आग्रह कर पुलिस पदाधिकारियों को ओ पॉजिटिव ब्लड डोनेट करने की अपील की। इसके बाद प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर पुनीत कुमार गौतम ने बच्ची को ब्लड डोनेट किया और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा दी। महिला थाने में पदस्थापित प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर नीतू कुमारी ने भी रक्तदान किया। पुलिस कप्तान राजीव रंजन सिंह ने भी दोनों पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों की सराहना की। इधर हिरणडांगा बाजार के 11 साल के थैलेसीमिया मरीज अमन भगत को सीआरपी ऋषि रंजन सिन्हा ने बी पॉजिटिव ब्लड देकर अनोखी मिसाल कायम की। जो 6 साल की बच्ची है, रहने वाली हिरणपुर की है, वो बर्दवान जाती थी। हर महीने थैलेसीमिया की पेशेंट हैं ब्लड अपना चेंज कराने के लिए, तो उनको ब्लड की ज़रूरत थी। वो बर्दवान जाने में उनको कठिनाई थी। उनके द्वारा पुलिस को ये बात कही गई। हमारे एक सब इंस्पेक्टर पुनीत कुमार गौतम को जैसे ही ये बात जानकारी में आई कि रेहाना खातून को ब्लड चाहिए, अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो उनकी जान चली जाएगी, वो सहज तैयार हुए और अपना ब्लड डोनेट करके उस बच्ची का जान बचाए। हमारे थाना में एक पुराने रिटायर्ड एसआई हैं, उनके बेटे जो अभी जेएमएम के नेता हैं प्रकाश सिंह, वो हमको कॉल किए, बोले ऐसा ऐसा बात है कि एक मीरा फाउंडेशन में एक बच्ची है जो पीड़ित है, उसे देना है ब्लड, वो पॉजिटिव। तो हम बोले ठीक है, ये काम अगर नेक काम पुलिस नहीं करेगी पहले तो कौन करेगा। और दूसरे को क्या मैसेज देना चाहती है? मामला आया था कि रेहान